जब जब गिल का बल्ला बोलता है तब तब इस खिलाड़ी का खून खौलता है। इसी समय टीम इंडिया पर राज करता था, इसके बिना एक मैच भी नहीं खेलती थी टीम इंडिया। लेकिन अब युवा गिल ने कर दिया कैरियर बर्बाद, वापसी की झूठी आस लगाए बैठा ये खिलाड़ी। 2 साल से टीम में वापसी के लिए तरस रहा है, लेकिन अब गिल के आगे कोई पूछता ही नहीं। 23 साल का युवा खा गया धुरंधर का कैरियर, अब खून के आंसू रोता है। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, कौन सा वो खिलाड़ी है दोस्तों जो कि गिल के आने की वजह से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है और कैसे अब कोई उसे पूछता तक नहीं है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इसका पहला मुकाबला 19 से 23 सितंबर के बीच चेन्नई में खेला जाना है। अब ऐसे में दोस्तों मुकाबला चल भी रहा है, 3 दिन इसके खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर टीम इंडिया लगभग ये मैच जीत चुकी है। 6 विकेट यहाँ पर और चाहिए टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए और बांग्लादेश को अभी भी 357 रन बड़े बनाने। लेकिन दोस्तों इस मैच में अगर टीम इंडिया इस स्थिति में पहुंची है तो इसमें एक खिलाड़ी का सबसे ज्यादा हाथ है और वो है शुभमन गिल का। सेकंड इनिंग जहां पर अक्सर बल्लेबाजी करना कठिन होता है, वहां शुभमन गिल ने 176 गेंदों पर 119 रन बनाए, जो दिखाता है कि शुभमन गिल कितने तगड़े फॉर्म में है। शुभमन गिल के इस बल्लेबाजी के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब नंबर 3 पर यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल का पत्ता पूरी तरीके से जम चुका है, यूं कहें कि उनका पैर पूरी तरीके से जम चुका है। नंबर 4 पर तो विराट कोहली खेलते हैं जो कि परमानेंट खेलते रहेंगे, लेकिन इस समय यहाँ पर शुभमन गिल नंबर 3 पर पूरी तरीके से अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। क्योंकि अगर गिल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 25 वर्ष से शुभमन गिल ने यहाँ पर अभी तक टीम इंडिया के लिए पूरे टोटल 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जहाँ पर उन्होंने 35 की एवरेज से शानदार 1492 रन बनाए, जो दिखाता है कि शुभमन गिल के अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। अब शुभमन गिल के इसी टैलेंट की वजह से टीम इंडिया उनको लगातार बैक करती है, पर एक खिलाड़ी है जो कभी टीम इंडिया में नंबर 3 का बादशाह हुआ करता था और विराट कोहली भले ही नंबर 4 पर तब खेलते थे, लेकिन वो खिलाड़ी जब होता था तो सब टीमें यहाँ पर उससे ज्यादा से ज्यादा डरती थी और उसका नाम था दोस्तों चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर को यहाँ पर दोस्तों चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा कहा जाता था, लेकिन 36 वर्षीय पुजारा जो कि यहाँ पर दोस्तों एक समय पर भारतीय टीम की अगली दीवार बताए जाते थे, ऐसा बताया जाता था कि राहुल द्रविड़ के बाद अगर टीम इंडिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी आया है जो राहुल द्रविड़ की कमी पूरी कर सकता है तो वो यहाँ पर यही है पुजारा, जिन्होंने दोस्तों 176 टेस्ट इनिंग्स में 16217 बॉल्स खेली थी, जिससे 7195 रन बनाए थे 43 की एवरेज से। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जब से शुभमन गिल नंबर 3 पर क्रिकेट खेल रहे हैं तब से चेतेश्वर पुजारा को मौके मिलते ही नहीं। चेतेश्वर पुजारा भले ही काउंटी क्रिकेट खेल रहे हो और भी कई लीगें वो खेलते हैं जिसमें टेस्ट क्रिकेट में वो अपना यहाँ पर दोस्तों जलवा बिखेरते हैं, पर उसके बावजूद भी चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में अभी तक यहाँ पर मौके नहीं मिले हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों पहले ही टेस्ट में गिल ने शतक जड़ दिया है, उसके बाद ये और चीज कंफर्म हो गई है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर दोस्तों चेतेश्वर पुजारा के लिए टीम इंडिया में कोई भी जगह नहीं है। आप किस पर क्या राय है, क्या भारतीय टीम की अगली दीवार फिर से वापसी कर पाएगी या फिर नहीं, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।